फर्जी एसीआर मामले में डीडीसी महराज मलिक उतरे मैदान में। एसीआर फर्जी, जिसने स्टैंप वेंडर्स के लाइसेंस दिए, यकीन जानिए लाखों का घोटाला हो सकता है। 60 दिन हो गए सरकार, फर्जी एसीआर अभी तक है फरार। रिश्वत खाई होगी, चाहे एसीआर ने खाई या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खाई या कोई फर्जी है। महराज मलिक बोले, अगर मुझे केस सौंपा होता तो आधे घंटे में केस सॉल्व कर देता। आधे घंटे की बात है, फर्जी एसीआर का पता चल जाता। महराज मलिक बोले, लाखों का है घोटाला, इंक्वायरी को जानबूझकर लटकाया जा रहा। अभी भी 2 महीने से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब वो ट्रांसफर भी चला जाएगा या यहाँ से निकल भी जाएगा, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। पिछले 60 दिनों से लगातार एक ही सवाल जिला प्रशासन से पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो फर्जी एसीआर कौन है जिसने स्टैंप वेंडर के फर्जी लाइसेंस बनाकर दिए हुए। आखिरकार अगर इंक्वायरी चल रही है तो अभी तक वो फर्जी एसीआर क्यों सामने नहीं आया है। इस रिपोर्ट को आप भी अंत तक जरूर देखेगा कि महराज मलिक वही बात कह रहे हैं जो पिछले 7 दिन से स्ट्रेट टॉक्स बोल रहा है। जिला डोडा में फर्जी एसीआर और स्टैंप वेंडर लाइसेंस मामले में अब डीडीसी महराज मलिक की एंट्री हो गई है। पिछले 7 दिन से फर्जी एसीआर और स्टैंप वेंडर मामले में इंक्वायरी चल रही है। 12 लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उस फर्जी एसीआर का नाम सामने नहीं आ पाया है। हैरानगी की बात तो ये है कि जो बात स्ट्रेट टॉक्स पिछले 7 दिन से बोल रहा है, वही बात अब डीडीसी महराज मलिक बोल रहे हैं। एक लड़का आया था, देव ठाकुर नाम से एक लड़का है, जो जिसका एक चैनल भी चलता है, द स्ट्रेट टॉक, सीधी बात करनी। वो लड़का जम्मू से आता है, उसे ये बात पता चल जाती है कि एक एसीआर फर्जी है, जिसने स्टैंप वेंडर्स के लाइसेंस दिए। यकीन जानिए लाखों का घोटाला हो सकता है, लाखों की रिश्वत खाई होगी, चाहे एसीआर ने खाई या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खाई या कोई फर्जी है। अगर डीसी साहब हमारे ईमानदार होते, बड़े लोग कमेंट लिखते हैं डीसी इज ऑनेस्ट मैन, डीसी इज फलाना, बड़े लोगों को तकलीफ होती है, डीसी के खिलाफ बोलता हूं। अगर आप मुझे उसकी वेरिफिकेशन करने को बोलते, 1 घंटे की बात नहीं, आधे घंटे की बात है, फर्जी एसीआर पता चल जाता। लेकिन 2 महीने इस बात को बीत जाते हैं, डीसी की नोटिस में ये बात है, 12 लोगों को लाइसेंस इश्यू होता है और उसके बाद उसका कैंसल हो जाता है। लेकिन अगर फर्जी एसीआर को पकड़ना था, देखिए सिंपल एक मैं बात बताऊंगा, अगर मुझे ये केस सौंप दिया जाए तो 12 में से अगर 12 के 12 लोगों से आप पूछताछ नहीं कर सकते, 2 लोगों से पूछताछ कर लीजिए, 2 से नहीं कर सकते, 1 ही आदमी को डीसी ने पूछना था, भाई साहब आपको किसने लाइसेंस बना कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाना था। लेकिन करप्शन के मामलात उसमें भी हेरा है, लेकिन डीसी का फेलियर है वहां। अभी भी 2 महीने से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब वो ट्रांसफर भी चला जाएगा या यहां से निकल भी जाएगा, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि डीसी करप्ट नहीं है। अगर करप्ट नहीं है तो एसीआर जिसने फर्जी लाइसेंस बनाए थे, कितनों का घोटाला होगा, अरे लाखों में ये खेल, और ये खेला नहीं होना चाहिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अरे एक आदमी यहाँ पर आकर लूट के चला जाता है, कोई पूछताछ नहीं। अब मुझे बताओ, छोटी सी बात है, अगर डीसी ईमानदार है तो एसीआर को क्यों नहीं पकड़ा? अगर एसीआर को पकड़ते कहीं खुद पे नौबत आ जाती तो फिर बड़ा मुश्किल होना। अरे जवाब दे दीजिए, 2 महीने से खबरें चल रही हैं, एसीआर है ही कौन सा बड़ा काम जो इतनी बड़ी पुलिस लगा लिया आपने, इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने ऑफिसर बुला दिए। अगर मुझे ये केस सौंप देंगे, आधे घंटे में बता दूंगा, एक आदमी को पकड़ के पूछ लो कि आपने किसके थ्रू बनवाया, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। अरे आप वेरिफिकेशन करेंगे नहीं, केसों की तारीखें कोर्ट में भी लगती है, तारीखें आपके दफ्तर में भी लगेंगी। और जब आप लूट खसूट करोगे तो मेरा सवाल नहीं करेगा, मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक लड़का जम्मू से यहां आकर रिपोर्टिंग किया, आपके मुंह के सामने बोला कि फर्जी एसीआर है, आपने तुरंत लाइसेंस कैंसिल करवाए, लेकिन अपने बगल में बैठा एक शख्स आप पकड़ नहीं पाए, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा का संभालने का आपके पास कोई अधिकार नहीं। 2 महीने बीत गए,
आप एक फर्जी बंदे को नहीं पकड़ पाए, मुझे शक है कि उस बंदे के साथ साथ इनके गरीबा पे भी हाथ जाता। लेकिन जाएगा, जो भी एजेंसीज मुझे सुन रही है, ये छोटी बातें नहीं है। ये आपके लिए छोटी बात हो सकती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब 12 लोगों को लूटा उसके बाद उनका कैंसल करवाना, ये उन लोगों की गलती नहीं है। ये गलतियां आपके नेतृत्व में ऐसे कैसे हो रहा है? और मैं कह रहा हूं आधे घंटे में मैं पानी का पानी और दूध का दूध निकाल के दूंगा, लेकिन आपकी नीयत में खोट है, क्योंकि आप बराबर के शरीक हो उसमें। आपको जवाब देना चाहिए उसके बारे में कि आप उसे कब पकड़ रहे हो, कब उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, और तब जाकर यहाँ की आवाम को आप पर भरोसा होगा और महाराज को आप पर भी भरोसा होगा। लेकिन आप लोगों का भरोसा तोड़कर कुछ लोगों को खुश कर रहे हो। न डीसी डोडा भाजपा को वोट करेगा और न डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन भाजपा को वोट करेगी। हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है कि महराज मलिक भी वही सवाल कर रहे हैं जो पिछले 7 दिन से स्ट्रेट टॉक जिला प्रशासन से पूछ रहा है। 12 लाइसेंस आपने कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन उस फर्जी एसीआर का पता आप अभी तक नहीं लगा पाए हैं कि आखिर वो कौन ऐसा फर्जी एसीआर है जिसने लाखों का ये घोटाला किया होगा। 12 लाइसेंस की इंक्वायरी तो आपने कर ली, लेकिन क्या बाकी की इंक्वायरी आपने कंक्लूड की है या फिर नहीं? और न जाने इस फर्जी एसीआर ने कहीं और पर कोई बिल तो नहीं साइन करके भेज दिया हुआ है, पास कर दिया हुआ है। ये भी एक बड़ा निशान जिला प्रशासन पर है। आप लोग एक तरह स्टेट टॉक्स मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।